माँ विंध्यवासिनी के धाम पहुँचे असम के मुख्यमंत्री हेमंत विश्व शर्मा। जी हाँ, विंध्याचल धाम पहुँचे असम के सीएम हेमंत विश्व शर्मा ने देश में सड़कों पर उतरकर हमास के समर्थन में प्रदर्शन कर रहे लोगों को पकड़कर जेल में डालने को कह दिया। हेमंत विश्व शर्मा ने कहा कि ऐसे लोगों को समझना चाहिए कि वो हमास का नहीं बल्कि आतंकवाद का समर्थन कर रहे हैं और भारत, हमारा देश आतंकवाद का सबसे बड़ा शिकार रहा है। आपको बता दें, मिर्जापुर के विंध्याचल स्थित माँ विंध्यवासिनी के दर पर पहुँचे असम के मुख्यमंत्री विश्व शर्मा, जहाँ उन्होंने माँ विंध्यवासिनी के चरणों में शीश नवाकर उनसे आशीर्वाद लिया। दर्शन पूजन के उपरांत पत्रकारों से वार्ता करते हुए उन्होंने कहा कि बहुत दिनों से मन में माँ विंध्यवासिनी के दर्शन की इच्छा थी, आज माँ ने वो इच्छा पूरी कर दी। माँ का दर्शन पूजन कर सभी के जन कल्याण की कामना की है। असम के मुख्यमंत्री के दर्शन पूजन के दौरान केंद्रीय मंत्री अनुप्रिया पटेल, भाजपा सदर विधायक रत्नाकर मिश्र और अन्य भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता मौजूद थे। 5 राज्यों में होने वाले चुनाव पर उन्होंने कहा कि आज देश में जो स्थिति है तो सबको चाहिए कि वो भाजपा को वोट देकर भारत को शक्तिशाली बनाने का काम करे। आज जो लोग हमास का समर्थन कर रहे हैं उन्हें ये समझना चाहिए कि भारत ही सबसे ज्यादा आतंकवाद का शिकार रहा है और हमारा पड़ोसी देश भी ऐसा ही है। जो लोग आज हमास का समर्थन कर रहे हैं उन्हें ये समझना चाहिए कि वो हमास नहीं बल्कि आतंकवाद का समर्थन कर रहे हैं और ऐसा करने से हमारे समाज के नुकसान के अलावा कुछ नहीं होगा। लोगों को वोट नहीं बल्कि देश के फायदे के बारे में सोचना चाहिए। आगे उन्होंने कहा कि भारत में रह रहे सब लोगों को हम आज हमास का खंडन करना चाहिए और आतंकवाद के खिलाफ विश्व भर में आवाज उठानी चाहिए। जो लोग सड़क पर उतरकर हमास के समर्थन में प्रदर्शन कर रहे हैं उनको सड़कों से उठाकर जेल में बंद कर देना चाहिए, समस्या का समाधान हो जाएगा। सड़क पर उतरना उनका अधिकार है और सड़क से उठाकर उन्हें जेल में डालना हमारा अधिकार है। अगर हम अपना अधिकार का थोड़ा सा भी प्रयोग करते हैं तो समस्या का समाधान खुद ब खुद हो जाएगा। तो आज आके माँ को प्रणाम किया, सेवा किया और सबके लिए कुशल मंगल का कामना किया। अच्छा, कहा जा रहा है 5 राज्यों में संघर्षपूर्ण है बीजेपी की, क्या कहेंगे? देखिए, चुनाव तो होते हैं, चुनाव होते रहेगा और आज का जो देश का परिस्थिति है, सबको बीजेपी को जिताना चाहिए, बीजेपी को वोट भी देना चाहिए और भारत को शक्तिशाली करना चाहिए। तो मेरा विश्वास है कि देश का जनता बीजेपी का साथ ही रहेगा, मोदी जी का साथ में रहेगा। काफी लोग हमास का भी समर्थन कर रहे हैं यहाँ पे जो फिलिस्तीन में चल रहा है, क्या कहेंगे उस मेंटेलिटी को? प्रॉब्लम यही है कि जैसे लोग हमास को सपोर्ट कर रहे हैं, लोगों को ये समझना चाहिए कि भारत सबसे ज़्यादा टेररिज्म का शिकार रहा है और हम हमेशा टेररिज्म का शिकार बनने का जो एक हर समय में ही हम एक टेंटर हुक में रहता हूँ कि आज यहाँ बम फूट सके, कल गोली बारूद हो सके। इसलिए हमारा जो पड़ोसी है, हमारा पड़ोसी भी ऐसा ही है। तो एक बार जो भी लोग हमास को सपोर्ट करते हैं उनका मन में इतना ही क्रिया करना चाहिए कि आप हमास को सपोर्ट नहीं कर रहे, आप टेररिज्म को सपोर्ट कर रहे हैं, आप संत्रासवादी को सपोर्ट कर रहा है और ऐसा करने से आपका नुकसान होगा। वोट का फ़ायदा देखने से बहुत ज़्यादा फायदा नहीं होता है, देश का फ़ायदा देखना चाहिए। तो हमें सब लोगों को हमास को कंडेम करना चाहिए और टेररिज्म का खिलाफ हमें विश्व भर में आवाज़ उठाना चाहिए। असम से लेके केरल तक प्रदर्शन हुए हैं शुक्रवार को, कुछ लोग सड़कों पे उतरे हैं, उनका कहना फिलिस्तीन एक राष्ट्र, तो ऐसे में क्या कहेंगे? देखिए, जो लोग सड़के पर उतरता है उनको सड़के से लेके जाके जेल में बंद कर देना चाहिए, समस्या समाधान हो जाते हैं। इतना उनका ऊपर बहुत ज़्यादा एनालिसिस करके सड़क पर उतरना का तो उनका अधिकार है और उतरने का बाद जेल में डालने का हमारा अधिकार है। हम हमारा अधिकार भी थोड़ा सा दिखा देने से सड़क में उतरने वाला बिजनेस बंद हो जाएगा। यूपी न्यूज़ 9 के लिए मिर्जापुर से राजू भारती की रिपोर्ट।